जौनपुर के जिला अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया, जहां एक बच्ची के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल सकी और उसकी मां बच्ची को एक ठेले में लेकर अस्पताल पहुंची, जिसके चलते बच्चों को इलाज मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में प्रशासन ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस की एसओजी टीम ने मुठभेड़ में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अपराधियों में से एक 25,000 रुपए का इनामी अपराधी है और पुलिस लंबे वक्त से उसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने इस दौरान 6 अन्य अपराधियों को भी अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। सभी एक गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। यूपी के हरदोई में ग्रामीण इलाके की महिलाओं को कामयाबी पाने के लिए प्रेरित करने को लेकर प्रशासन ने गांव की गरिमा नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है। इस नई पहल के जरिए महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाने और उन्हें कामयाबी के प्रति प्रेरित करने के लिए गांव की कामयाब महिला, फिर वो चाहे बहू हो या बेटी, उनके नाम पर गाँव की सड़क का नाम रखा जा रहा है। बिजनौर के पुलिस लाइन के प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने एक रैली निकाली। इस रैली में मुख्य विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। बच्चों के द्वारा रैली निकालकर आम लोगों को सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जागरूक किया गया। जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चे पुलिस लाइन में एकत्र हुए और जिले की मुख्य सड़कों पर रैली निकाली गई। यूपी के बदायूं में एक बुजुर्ग ने दबंगों से परेशान होकर एसएसपी दफ्तर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। बुजुर्ग को आत्मदाह करता देख पुलिस कर्मचारियों ने उसे बचाने की कोशिश की और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बुजुर्ग की हालत गंभीर है। अब इस मामले में आला अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए हैं।